पाकिस्तान की धरती करबला का नक्शा बन चुकी है, हर पासे गरीबों के खून डुल रहे ने। जो बंदा किसी मौकफ से अड़ जाए और वह मौकफ दुरुस्त हो, उत्थों पैर पिछे पट्टन वाला जिहड़ा ना वह मर्द नहीं कहलांदा। अज असी तुहाडे नाल थोड़ी जी गलबात करांगे 1960 दे विच अपना कैरियर शुरू करने वाली शबनम के बारे च, जिन्हां दी आकड़ जिहड़ी ना सुल्तान राई साहब ने 1987 च आके तोड़ दित्ती। उस तो पहलां तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल दा आइकन दबा लो ताकि साडियां सारियां वीडियो तुहाडे तक एवें ही पहुँचदियां रहण के जिवें नेरी च छापर आउंदे आ। नेरी च छापर एक मुहावरा आ, लेकिन जो तुसीं फॉलो कर लैंदे हो, सबसक्राइब कर लैंदे हो, तो फिर तुहानू एक बैल दा आइकन मिलता, उहनू तुसीं प्रेस करोगे तो तुहानू नोटिफिकेशन मिलेगा टुन करके, तो तुसीं साडियां वीडियो वेखोगे तो इस तरह ही इन इंजॉय करोगे। चलो फिर सबसक्राइब कर दिओ। तो उस तो बाद असीं गल करांगे अज मैडम शबनम। शबनम जी ने बहुत सारिया फिल्मां कीतियां, लेकिन उन्होंने अपना जो बतौर हीरोइन जो रोल है, अपनी लाइफ जी कैरियर है, वो शुरू किया 1960 च वहीद मुराद साहब ने। वहीद मुराद साहब बहुत ही मशहूर रहे, चॉकलेटी हीरो कहलाते रहे आ। तो पाकिस्तान च दो इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री दो जुबानों के रही आ, उन्हें राज किया, लेकिन उस इंडस्ट्री के उत्ते दोनों जुबानों के जी सबकत है ना, वो पंजाबी जुबान नहीं ली आ हर वारी। तो जिहड़ी शबनम सी, वह अगर मैं तुहानू कहां कि वह उर्दू फिल्मों की हीरोइन सी, उन्हें पंजाबी फिल्मों ही काम नहीं किया सीगा। तो पंजाबी फिल्मों नू वह इस तरह समझते सीगे कि जिस तरह ना हकीर समझना कि ये अच्छी जुबान नहीं हैगी, कुर्ता लाचा तो ये बड़कां तो वड़ियां मुछां ये कोई शै नहीं है, ये बेवकूफी है जी, ये सही नहीं है। लो जी, उस तो बाद शबनम ने जो काम किया नदीम साहब ना, मोहम्मद अली साहब ना, बहुत जबरदस्त हीरो रहे आ, उन्होंने काम भी अपनी जगह कमाल सीगे, लेकिन इधर जिहड़ी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री सी वो चल रही सी। इस दौरान सुल्तान राई साहब की तूती जो बोलन लगी आ 80 की दाई च, शबनम ने 25 साल अपना एको ही मौका रखा कि मैं पंजाबी फिल्मों काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैनू ये चंगी नहीं लग रही, ये जुबान, ये लहजा, इन्हां दी ड्रेसिंग, इन्हां दे कपड़े, इन्हां दीआं मुछां, ये बदमाश, ये मैनू नहीं चंगे लगते। लो जी, फिर जदों तुसीं किसी चीज़ नूं हकीर समझते हो ना, तो कुदरत तुहाडे कोल उही काम करवाउंदी आ। ते आखिर मजबूरन सुल्तान राई साहब ने जदों 1987 दे विच बाजी फिल्म की शबनम के नाल, वो पंजाबी जी आई सी, तो उस वेले शबनम साहब जिहड़ा 25 साल तो अपना मौकफ रखिया सी कि मैं काम नहीं करना, वो अपना मौकफ तोड़ के ते पंजाबी फिल्म च काम करना पै गया। उहदी वजह कि साडे जिहड़े ऑडियंस आ, साडे पंजाबी नूं वेखण वाले जिहड़े आ, उहनां नूं भी ये चीज़ पसंद नहीं हैगी कि साडी जुबान दे नाल कोई इस तरह दे काम करे। असीं पंजाबी बोलण वाले आ, साडी मां बोली पंजाबी आ, ते बाकी जुबाना भी साडा हिस्सा आ, लेकिन ये नहीं कि तुसीं पंजाबी नूं बिल्कुल हकीर समझ लो, कहो कि ये तो जुबान ही अच्छी नहीं। अगर तुहानूं उर्दू आती है तां उर्दू हर बंदा बोल लेगा, लेकिन जिहड़ी बोली है अपनी वो पंजाबी आ। ते सुल्तान राई साहब ने जदों फिर फिल्मां दे विच तूती बोली उहनां दी, हर बंदा ही सुल्तान राई साहब नूं वेखणा चाहुंदा सी, ते शबनम साहिबा दी मजबूरी बन गई कि हुण मैं इन्हां फिल्मां च काम ना करां ते मेरा सरदा नहीं करनी, तो मैं इस इंडस्ट्री चों बाहर होनी। ते सुल्तान राई साहब दे नाल काम करना हर बंदे दा ते हर औरत दा, मतलब बंदा ते बुढ़ी जिहड़ी दोनों फिल्म, मतलब हीरोइन व कोई वालदा कोई भैण कुछ भी बनन वास्ते ना, हर बंदे दा ख्वाब सीगा कि मैं सुल्तान राई साहब नाल काम करा। और सुल्तान राई साहब, अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए, बहुत ही जिंदा दिल ते बहुत ही नेक इंसान सी। उन्होंने 7 हज किए, मैं पिछली वीडियो तुहानूं दस चुका, और नमाजी परहेजी बंदे सी, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते सीगे और टाइम के बड़े पाबंद सीगे। तो शबनम साहबा ने इस तरह फिर अपनी जो फिल्मां ना पंजाबी भी करनिया शुरू कर दी। उस वक्त बहुत सारिया फिल्मां उन्होंने पंजाबी भी कीतियां, लेकिन उस तो पहले जो 25 साल का मौकफ सी ना, वो इवें ही टुटिया जिवें थुक के चढ़ना होंदा। तो दसो फिर तुहानूं अज किवें लगी जानकारी, जे चंगी लगी है वीडियो नूं लाइक कर दिया करो यार, ते मैनूं इजाजत दिओ, तुहाडा भरा अदनान, अल्लाह हाफिज़।